चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सिर्फ एक कप सूजी से बहुत ही यम्मी टेस्टी हेल्दी और नया चटपटा नाश्ता। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कितना सुंदर मेरा देखने में नाश्ता है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड, ना देरी करते हुए इस रेसिपी को फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले, हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, ना देरी करते हुए इस रेसिपी को फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं एक बड़ा सा बर्तन और अब यहीं पे लेंगे हम एक कप सूजी, जिसे हम भिगोकर रख देते हैं। यहाँ पर सूजी को हम अपने इस तरीके से पानी में भिगोकर रख देते हैं और अब यहीं पर डाल देते हैं हम स्वाद के अनुसार नमक। तो ये देखिए, हम नमक डाल दे रहे हैं। तो ये नमक हम डाल दिए और सूजी को हम भिगो दिए हैं फ्रेंड। तो चलिए इसे रेस्ट पे हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि मेरा सूजी बढ़िया से फूल जाए। यहाँ पे सूजी मेरी फूल गई है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं मिक्सी बॉल और इसमें हम पाइन सा पेस्ट पीस कर तैयार करते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम इसका बैटर बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरा बैटर बन पीस कर तैयार है, देख सकते हैं इतना ही गाढ़ा हमारा बैटर चाहिए। तो इसमें हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेंड हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो हम थोड़ा सा डालेंगे नाश्ते में, थोड़ा सा हल्का चिली फ्लेक्स। तो हम चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और अब यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए, हम बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, ये छोटा सा 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून के अंदाज है। और दोनों चीज़ों को हम बढ़िया से मिला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम मिला लिए हैं। और ये देखिए, हम ले लिए हैं टमाटर। तो ये हम टमाटर गोल गोल काट लिए हैं और इसी टमाटर से हमारे नाश्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा सा कुटी हुई ये काली मिर्च और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें भी चिली फ्लेक्स। तो देखिए, हल्का ही डालेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल और लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हम स्वाद के अनुसार नमक। ये सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं टमाटर। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हम पैन बैठा दिए हैं फ्रेंड, डोमेस्टिक पैन। और यहीं पे हम डालेंगे इसमें 1-2 चम्मच तेल, ज़्यादा मात्रा में तेल इस नाश्ते को बनाने के लिए नहीं लगती है। तो देखिए, हम 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाल दिए हैं। तेल को थोड़ा होने देते हैं गर्म। तो चलिए फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो गया है तो हमें नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा शेप चाहते हैं अपना, छोटा बड़ा, उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इस तरीके से बनाएंगे छोटा छोटा सा। इस चम्मच से हमें नहीं बन रहा है फ्रेंड, हम छोटा वाला चम्मच लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम छोटा वाला चम्मच ले लिए हैं और इस नाश्ते को थोड़ा सा और बढ़िया से हम गोल कर लेते हैं। और आंच को हम मीडियम कर दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, छोटा छोटा सा बनाइए यहाँ पे डालकर। तो ये देखिए, हम छोटा छोटा सा बना रहे हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं पहले एक बार। तो हम डाल लिए हैं फ्रेंड यहाँ पे 4, और इसके ऊपर अभी जो हम टमाटर काट के लगा के रखे हैं, इसमें मिर्च और ये रेड चिली फ्लेक्स, ये सब इसके ऊपर से हमें इस तरीके से हम लगा ले रहे हैं। ये देखिए, और इसे हम ढक्कन लगा के पकाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम ढक्कन लगा के इसे हम 2 मिनट पका लेते हैं, उसके बाद हम पलटेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मेरा 2 मिनट हो गया है। तो हम देख लेते हैं नाश्ता, तो देख सकते हैं मेरा नाश्ता एक तरफ से बढ़िया से पक गया है, फूल गया है। तो हम दूसरी तरफ से धीरे धीरे करके इसे हम पलट लेते हैं इस तरीके से पकड़ के। देखिए फ्रेंड, हम सारे पलट लेते हैं नाश्ते को। तो चलिए प्रिय, मेरे दोनों तरफ से नाश्ते पककर तैयार है बनकर। तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को हमारा नाश्ता कैसा बना। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं ये नाश्ते को। ये देखिए, चलिए प्रिय, हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अपने नाश्ते को निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। तो जो मेरा बच्चा है वो भी हम बना लेते हैं, बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारे सारे नाश्ते बनकर तैयार है, देख सकते हैं। तो हम रख दिए हैं चटनी साथ में, और अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए तो थोड़ा सा इस पर केचप लीजिए और इस तरीके से ये किनारे के साइड इस तरीके से लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। तो हमारा आज का रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब भी और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारी भी कुछ मदद हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फुल वॉचिंग फ्रेंड।